परमानेंट विंड सिस्टम सच द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड लाइक मानसून हैव बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। बिसाइड दिस लोकल विंड लैंड एंड सी ब्रिजेस कैन ऑल्सो भी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी हमारे कहाँ मिलते देखो, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में फेवरेबल कंडीशन पर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। टाइडल एंड वेव एनर्जी। ओशन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी परसिस्टेंट एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम फ्रॉम द सीजलेस टाइडल वेव्स एंड ओशन करंट्स। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हेंस इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट, बट सो फार दीज हैव नॉट येट बीन यूटिलाइज्ड। जियोथर्मल एनर्जी। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स आउट ऑन द सर्फेस, ट्रेमेंडस हीट इज रिलीज्ड। द हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर दैट गुसेस आउट थ्रू द गीजर ऑयल्स इज ऑल्सो यूज टू यूज इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। इट इज पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स। द हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर बींग यूज सिंस मेडाइवल पीरियड इन इंडिया। ए जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशनड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पर बनाया जाए के बाद कमीशन किया गया है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं बायो एनर्जी। सो अच्छा, द फर्स्ट सक्सेसफुल 1980 अटेम्प्ट टू टैप द अंडरग्राउंड हीट वॉज मेड इन द सिटी ऑफ बॉयज इदाहो, दैट इज इन USA। ठीक है, और ए हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वॉज बिल्ट टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। दिस प्लांट इज स्टिल वर्किंग। वाओ, तो USA में ही बने थे पहले। बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर डेसिड यूज म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। बायो एनर्जी इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। दिस विल इंप्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनहांस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड। One such project converting municipal waste into energy is Okhla in Delhi. तो देखो क्या बात किया कि वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू, कहाँ पर है, दिल्ली में है, ओखला में। ठीक है, याद रखना ओखला, दिल्ली की ओखला में एक प्लांट है जो म्यूनिसिपल वेस्ट को बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ओखला इन दिल्ली। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इन टू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, देर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। दिस शुड बी डेवलप्ड टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स, यूज ऑफ स्क्रैप metals will enable recycling of metals. Use of scrap is especially significant in metals like copper, lead and zinc, in which India's reserves are meagre. Use of substitutes for scarce metals may also reduce their consumption. Export of strategic and scarce minerals must be reduced so that the existing reserve may be used for longer period, है ना? तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, इसी के साथ क्वेश्चन सब देख सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करेंगे। चलिए यहाँ पर आज इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।